कल्पधाम बिल्डर्स एवं डेवलपर्स की शानदार पेशकश, अब आपके सागर शहर के बीचों बीच कोई भी सर्व सुविधा युक्त आवास और समस्त शासकीय अप्रूवल के साथ। तो देर के स्वाद की फ्लैट एवं प्लाट बुकिंग के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया, पुरुषोत्तम चौरसिया। मध्य प्रदेश में हो रही रेप बलात्कार की घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। मध्य प्रदेश बलात्कार जैसी घटनाओं से शर्मसार हो रहा है। रेप की घटनाओं के हाहाकार, बेटियों के चिल्लाहट के बीच हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब थमेगा यह दरिंदगी का दौर और इन सब के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार। लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। सरकार ऐसी कई योजनाएं बनाकर धरातल पर उतार रही है जिससे हमारी बहू बेटियां सुरक्षित रहें, लेकिन न जाने क्यों वो योजनाएं दिखावा बनकर ही रह गई हैं। सवाल समाज की सोच पर भी हैं। समाज में कई लोग ऐसे भरे हुए हैं जिनके कारण कई मासूम दरिंदों की गंदी नजर का शिकार होती हैं। तो कई स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली युवतियां हैवानियां झेलती हैं। पिछले कुछ दिनों से बलात्कार की वारदातों ने मध्य प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। आज फिर एक बलात्कार का ताजा मामला आया है जो मध्य प्रदेश के सागर जिले के नरियावली थाने से जुड़ा है, जहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ पड़ोस में ही रहने वाले दरिंदे ने वो दरिंदगी की कि जिसने भी इस वारदात को सुना बस कुछ पलों के लिए उसका दिल सहमसा गया। नाबालिग मासूम बेटी के साथ एक दरिंदा लगातार 2 दिनों तक मासूम के साथ दरिंदगी करता रहा। मासूम चिल्लाती रही, सुनने वाला कोई नहीं था। परिजनों की अनुपस्थिति में उसके घर के अंदर घुसकर इस दरिंदे ने दरिंदगी को अंजाम दिया और साथ में इस मासूम नाबालिग बेटी के लिए आरोपी ने धमकी भी दी कि अगर यह घटना तुम किसी को बताओगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। परिजनों के घर वापस लौटने के बाद मासूम बेटी ने उसके साथ हुई घटना की जानकारी परिजनों को दी तो परिजन बेटी के साथ तत्काल नरियावली के थाने पहुंच गए और मामला दर्ज कराया है। मामला दर्ज होने के बाद खाकी एक्शन में आई और महज कुछ ही घंटों में आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया है और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि ऐसे समाज में दरिंदगी करने वाले दरिंदों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन इस तरह की घटनाएं समाज के लिए कई सवाल खड़े करती हैं। वीडियो रिपोर्ट, खबर एक्सप्रेस न्यूज, नरियावली। आरोपी पकड़ा है, पूरा क्या मामला है? ये कल शाम का मामला है। एक पीड़िता नाबालिग के द्वारा रिपोर्ट की गई है, जो महिला अधिकारी हमारे यहाँ पे आई थी और उन्हें उस बात को सुना उसकी, और उसकी रिपोर्ट पर 376 और पास्को एक्ट के अंतर्गत पड़ोसी जो आरोपी है उसके खिलाफ FIR की गई है और उस पर अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस के द्वारा उसको तलाश कर जल्दी गिरफ्तार कर लिया है, जो माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। महिलाओं